सभी को पीपीटी क्लियर है बिल्कुल? कोमल जी वीडियो ऑन कर लीजिए, सुनीता जी वीडियो ऑन कर लीजिए, राजेंद्र जी वीडियो ऑन कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। जी देखिए, मैंने आपको बताया था मैंने एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया था, तो थोड़ा सा यहाँ मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने फ्यूचर पॉइंट से पीएचडी किया है, शास्त्राचार्य की डिग्री है मेरे पास। एस्ट्रोलॉजी से आप अपने बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं, आपका नेचर कैसा है या आपके पास जो पर्सन आया है उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है। इसके साथ ही आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे, कैसी आपकी मैरिड लाइफ होगी, कैसा आपका कैरियर होगा, कैरियर आपका कौन सी फील्ड में होगा, आप जॉब करेंगे या बिजनेस। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब आप करना शुरू करते हैं पर आपका ऑटोमेटिकली माइंड बिजनेस की तरफ चला जाता है और आप परेशान होते हैं कि वो जॉब खुशी खुशी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में बिजनेस के स्ट्रांग योग होते हैं। या आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें मुझे सक्सेस मिले। तो ऐसे में जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में क्या कैरियर बन रहा है। आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस का योग है, आपके हॉरोस्कोप में जॉब का योग है, और बिजनेस का है तो कौन सा है और जॉब है तो कौन सी फील्ड में है। एजुकेशन में आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस लाइन में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैम 5 से 7 बार हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया पर वो क्लियर नहीं हो रहा है। जब उनकी हॉरोस्कोप को देखा गया तो उसमें गवर्नमेंट जॉब का योग स्ट्रांग नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है, उनका टाइम पीरियड भी खराब होता है क्योंकि वो अपने कैरियर के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी हॉरोस्कोप को देख के जान सकते हैं कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। आपकी फैमिली है, फैमिली में सारे लोग हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं कि बच्चे हैं तो वो किस फील्ड में जाएं, कौन सा कैरियर अपनाएं। यदि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कौन से ग्रह के कारण हो रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या विदेश जाने का योग है? आप हॉरोस्कोप से देख सकते हैं अगर है तो वो कब बन रहा है, किस तरह का बन रहा है। क्या आप शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे या आपकी सेटलमेंट है विदेश में, तो ये सब आप हॉरोस्कोप से जान सकते हैं। अब हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो 9 ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य मैं खुद, अहम, एनर्जी। आपने देखा है ब्रह्मांड में सूर्य अकेले हैं, सूर्य की एनर्जी से पूरी पृथ्वी चलती है। आपके घर में आपके फादर सूर्य हैं, बहुत एनर्जी है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर गुस्सा भी है, अपनी होल्डिंग पावर है। आप ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली में ऐसा कौन है? आपके फादर। जब आपके फादर घर के अंदर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पूरा घर सिस्टम में आ जाता है। उससे पहले बच्चे शैतानी कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, सब कुछ इधर उधर पड़ा है, पर जैसे ही फादर की एंट्री होती है तो सब एक सिस्टम में आ जाते हैं कि फादर घर में आ गए हैं, तो बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, पूरा घर ठीक होने लगता है, हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है। तो सूर्य क्या है? मान सम्मान है, सिस्टम से चलने वाला है, एनर्जी है। जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा वो आपको गवर्नमेंट जॉब, हाई लेवल की जॉब देगा। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मन, आप माता, आपका कॉन्फिडेंस। चंद्रमा वाले लोग बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, किसी का दुख देख के बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, सबकी मदद करके चलते हैं। और चंद्रमा आपका अच्छा है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। गुस्सा आता है तो आता है, बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है इनका गुस्सा। इसके बाद आता है मंगल। मंगल क्या है? मेहनत, पराक्रम, सेनापति, कोई भी कार्य को संभालने की क्षमता। बहुत सारी जगह आपने ऐसा देखा होगा
कि फैमिली में कोई छोटा पर्सन होता है पर वो होल्डिंग संभाल लेता है कि अब टेंशन मत लो, ये काम मैं कर दूंगा, या आप भी उनको बेफिक्र होके कह देते हैं कि ये काम आप कर लेना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वो मंगल है, जितना भी सेना में, पुलिस में, नेवी में लोग होते हैं वो सब मंगल वाले लोग होते हैं। इसके बाद आता है बुध। बुध क्या है? वाणी, आपकी बोलने की क्षमता। बुध बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है। जिनका बुध स्ट्रांग मिलेगा उनकी वाणी बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ऐसे लोग सीए सीएस होते हैं, बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं। और इनसे लोग राय लेने आते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ गई है तो आप हमें सजेशन दीजिए कि हम इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद आता है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति क्या है? गुरु बृहस्पति ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेज लेते हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, हाई एजुकेशन लेते हैं, बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, अहम इनमें भी होता है, गुस्सा इनमें भी होता है, क्योंकि ज्ञानी होते हैं। पर ये गलत किसी के साथ नहीं होने देते हैं, सबके वो साथ लेकर चलते हैं। और होल्डिंग पावर होती है, इनको बड़ा बनने का शौक होता है कि अगर ये किसी ग्रुप में होंगे इनको हेड बना दो तो ये खुशी खुशी सब काम करते हैं, कितनी भी मेहनत वाला काम होगा ये उसको संभाल लेंगे। गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र लग्जूरियस लाइफ, शानो शौकत। शुक्र वाले भी ज्ञानी होते हैं पर ये चंचल होते हैं, इनको हर चीज़ हाई फाई चाहिए, सिंपल खाना इनको समझ में नहीं आएगा, बाहर का खाना पीना अच्छा लगेगा, घर इनका एकदम मेंटेन साफ सुथरा होगा, अपने आप को एकदम से टिप टॉप रखेंगे। ऐसे लोग म्यूजिक में, डांस में, डिज़ाइनिंग में, सिंगिंग में, इस साइड इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। शुक्र के बाद आता है शनि। शनि क्या है? शनि न्याय है। शनि वाले लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत, शनि मेहनत बहुत कराते हैं, आपने सुना है ना, शनि क्या है, शने शने चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो शनि मेहनत कराते हैं। और मेहनत करा के आपको आपके कार्य में सफलता मिलती है, फिर आप ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर क्या होते हैं? लॉयर होते हैं, जज होते हैं। अगर इनका बिजनेस होगा तो लोहे से संबंधित होगा, जमीन से संबंधित होगा। शनि वाले भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, सबको साथ लेके चलते हैं, इनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटे से छोटे पर्सन को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी किसी बड़े पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद आते हैं राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं, राहु ज्ञान है, राहु बहुत ही सिस्टम से चलते हैं। इनकी लाइफ में एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि मुझे ये काम करना है, तो ये प्लानिंग करके चलते हैं, हर चीज़ इनको टिप टॉप चाहिए। अगर इनका रूम है तो वो एकदम प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। और हर चीज़ की नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट पे इनका ज़्यादा फोकस होता है। अगर ये जॉब करते हैं तो इनको सैलरी अच्छी चाहिए, और अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें इनको प्रॉफिट अच्छा चाहिए। तो ऐसे पर्सन या तो हाई पोस्ट पे होते हैं, या इनका बिजनेस होगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, शेयर मार्केट का, रियल स्टेट का, या प्रॉपर्टी से संबंधित ये कार्य करेंगे। इसके बाद आता है केतु। केतु भी ज्ञान है। केतु वाले व्यक्ति हमेशा पढ़ते रहते हैं, अगर वो वृद्ध भी होंगे ना तो भी वो उनको नॉलेज गेन करने की आदत होगी। और इनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि कोई चीज़ इनकी फील्ड का हो या ना हो, ये वो भी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, तो इनको लगता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और इनको नॉलेज होती भी है। तो केतु क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो ये हमारे हुए 9 ग्रह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको कि 9 ग्रह कौन से हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं? आगे बढ़ें। नंबर कौन सा नंबर रिपीट करूं? मंगल का। जी बिल्कुल, मंगल क्या है? मंगल है मेहनत, पराक्रम, जो आप कार्य कर रहे हैं ना वो मंगल है।
जिनका मार्स बहुत स्ट्रांग होगा ना, मंगल बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसे पर्सन टिक कर नहीं बैठते, वो अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखते हैं, और ऐसे लोगों में होल्डिंग पावर होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अगर चार जने कहीं गए हैं ना और किसी का मंगल स्ट्रांग है और वो पर्सन सबसे छोटा भी है एज में, तो भी वो पूरे ग्रुप को संभाल लेता है, वो होल्डिंग पावर रखता है कि मुझे ये काम को करना, बहुत खुशी खुशी करता है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं कंपनी में, मैनेजर, एचआर, ये आपको मंगल वाले लोग मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करेंगे तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से संबंधित कार्य करेंगे, केमिकल से संबंधित कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात इनकी ये रहती है कि ये कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। अगर आप इनको आधे घंटे के लिए भी कहेंगे ना कि यहाँ पर बैठ जाइए, तो ये नहीं बैठ पाएंगे, ये अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखते हैं। क्लियर? इसके बाद आती हैं 12 राशियां। देखिए ये हमारी 12 राशियां हैं, आप सब भी अपनी अपनी राशि जानते होंगे। हमारे जीवन में 9 ग्रह के बाद 12 राशियों का बहुत ही अहम रोल है, और ये 12 राशियां हैं मेष, एरीज, वृष, टॉरस, मिथुन, जैमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लीब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, मकर, केप्रिकॉन, कुंभ, इक्वेरियस, मीन, पाइसिस। देखिए ये जो राशियां हैं ना, इनके सीक्वेंस भी सेम रहेंगे, आपको ये ऐसे ही लर्न करनी है इसी सीरीज में, इसको आप आगे पीछे नहीं करेंगे। और ये 12 राशियों को नंबर दिए गए हैं। अगर मेष राशि, एरीज राशि 1 नंबर पे है, तो ये हमेशा ही 1 नंबर पे रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आगे जब आप एडवांस स्टडीज करेंगे तो वहां पे राशि का नाम नहीं लिखा होगा, वहां पे राशि का सिर्फ नंबर लिखा होगा। ठीक है, अगर वहां पे 1 नंबर लिखा है तो आपने समझ लेना है इसका मतलब है मेष राशि। ऐसे ही 2 नंबर पे वृष राशि फिक्स्ड है, 3 पे मिथुन फिक्स्ड है, 4 पे कर्क फिक्स्ड है, सारी राशियां ये 12 तक फिक्स्ड है। आपको राशि लग्न चार्ट में सिर्फ आपको नंबर मिलेगा, अगर 11 नंबर लिखा है तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब ये कुंभ राशि लिखी है। ठीक है, क्लियर? 12 राशियां। आप इसका स्क्रीन, हाँ जी बताइए, वो मैं बताऊंगी आपको। 12 राशियां क्लियर है? ठीक है, सीक्वेंस सेम रहेंगे, आपको इसी सीरीज में लर्न करना है, इसी सीरीज में आपको माइंड में सेट करना है। इसके बाद ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के लॉर्ड, ये 12 राशियां रिप्रेजेंट करती हैं इनके लॉर्ड को, यानी कि मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो लॉर्ड है, वो मंगल है। आगे जब हम एडवांस कोर्स करेंगे, उसमें जब हम लग्न चार्ट को पढ़ना सीखेंगे, तो राशि के साथ साथ हमें प्लैनेट को भी कनेक्ट करना है, तभी हम योग बता पाएंगे ना कि कौन सा योग बन रहा है, उसका क्या रिजल्ट है। तो उसके लिए हमें राशि के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा है। तो मंगल, मेष राशि मंगल लॉर्ड हैं, वृष राशि के शुक्र लॉर्ड हैं, मिथुन राशि के बुध लॉर्ड हैं, कर्क राशि के चंद्रमा लॉर्ड हैं, सिंह राशि के सूर्य लॉर्ड हैं, कन्या राशि के बुध लॉर्ड हैं, तुला राशि के शुक्र लॉर्ड हैं, वृश्चिक राशि के मंगल लॉर्ड हैं, धनु राशि के गुरु लॉर्ड हैं, मकर और कुंभ 2 राशियां शनि के अंडर में आती हैं, दोनों राशियों के लॉर्ड शनि हैं, और मीन राशि के गुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ राशियों के कुछ ग्रह के पास 2-2 राशियां हैं, कर्क यानी कि चंद्रमा के पास और सूर्य के पास 1-1 राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि है, सूर्य की सिंह राशि है, पर मंगल के पास 2 राशि है, मेष और वृश्चिक, शुक्र के पास भी 2 राशि है, वृष और तुला, मिथुन बुध के पास भी 2 राशि है,
मिथुन और कन्या। शनि के पास भी दो राशि है, मकर और कुंभ, और गुरु बृहस्पति के पास भी दो राशियां हैं, धनु और मीन। ठीक है, मेष राशि मंगल के पास, शुक्र के पास, बुध के पास, गुरु के पास, शुक्र के पास, शनि के पास दो दो राशियां हैं। सिर्फ चंद्र और सूर्य दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास एक एक राशि है। आपको इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है कि इस राशि के लॉर्ड ये प्लैनेट है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं राशि चार्ट का। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। देखिए, राशियों के बाद आते हैं नक्षत्र। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसकी कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही फिर पूरी जन्मपत्री को बनाया जाता है। तो नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्वनी। अभी ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, वो समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप सब नोट डाउन करेंगे ना तो उसमें क्या जो मैं समझा रही हूँ वो पार्ट रह जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अश्वनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा, स्वाति, चित्रा, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा। देखिए, ये जो 27 नक्षत्र है ना, जो भी इंसान जन्म लेता है उसका इनमें से कोई ना कोई एक नक्षत्र जरूर होता है। उसके अकॉर्डिंग उसका जीवन निर्धारित होता है, उसमें उस नक्षत्र की सारी क्वालिटीज होती हैं। जब हम एडवांस कोर्स करेंगे तब हम जानेंगे कि इन नक्षत्रों की क्या क्वालिटीज होती हैं। और इसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, आपने भी सुना होगा कि कोई बच्चे ने जन्म लिया और वो उसका जन्म मूलों का है, और वो नक्षत्र भारी होते हैं। जब तक आप उन नक्षत्रों की शांति नहीं कराएंगे तब तक वो बच्चा अपने जीवन में सक्सेस नहीं पाता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि बच्चे ने जन्म लिया तो फादर को कोई प्रॉब्लम हो गई, मदर को कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या बच्चे के अपने साथ ही कोई ना कोई समस्या ऐसी आ गई जिसमें बहुत सी परेशानियाँ क्रिएट हो गई, तो वो नक्षत्र की वजह से होती है। ऐसे नक्षत्रों की 27 दिन बाद शांति कराई जाती है, वो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। नक्षत्र क्लियर है आपको? 27 नक्षत्र, टोटल नक्षत्र 27 होते हैं, परंतु एक्चुअल में नक्षत्र 28 होते हैं। 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत, और ये नक्षत्र जो अभिजीत है सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, और ये नक्षत्र रोज आता है। इसमें हमें कभी भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपने ये नक्षत्र देखा कि ये कब आ रहा है, और आप उसमें उस काम को इजीली कर सकते हैं। क्योंकि रोज अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप रोज रोज तो किसी से मुहूर्त पूछने नहीं जाएंगे, तो उस नक्षत्र को देखकर आप जान सकते हैं कि ये कब आ रहा है, उसमें आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। तो
तो नक्षत्र क्लियर है आपको? नक्षत्र को लेके किसी प्रकार का कोई डाउट? हाँ, उसको हम डिटेलिंग में जब एडवांस कोर्स करेंगे ना, तो तब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जिनका जन्म मूल नक्षत्र का होता है, मूल नक्षत्र ऐसा है जो पॉजिटिव नहीं होता, बहुत हेवी नक्षत्र होता है। जिसका मूल नक्षत्र का जन्म होगा, ऐसा बच्चा भारी होता है, अपना कैरियर वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक जाता है। जैसे आपने टेरिस पे जाना, आप टेरिस तक तो पहुंचेंगे, पर आप टेरिस के ऊपर नहीं जा पाएंगे, वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। रेवती नक्षत्र शुभ नहीं है। इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म है और जन्म के समय आपकी नक्षत्र शांति नहीं हुई है, तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। आपने बहुत से लोग देखा होगा, वो अपने आप से इरिटेट रहते हैं। एजुकेशन उनके पास बहुत होगी, पर वैसा कैरियर नहीं होगा। बहुत स्ट्रगल करते हैं वो अपनी लाइफ में। उनसे कम एजुकेटेड लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि उनकी नक्षत्र शांति नहीं हुई होती है। पुष्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत लकी नक्षत्र है। जिनमें इसका जन्म होता है तो वो लोग बहुत लकी होते हैं। तो जब आप आगे आगे पढ़ेंगे डिटेलिंग में, तो नक्षत्रों के बारे में जानेंगे कि कौन सा नक्षत्र कैसा है। जन्म पत्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो जन्म पत्री आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है किसी भी चीज को लेकर, आपकी जो भी सिचुएशन है, उस सब का आंसर आप अपनी जन्म पत्री से खुद जान सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं जो आजकल रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल पा रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म पत्री मिलाकर शादी करी और उसके बाद भी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर कोई देगा कि ऐसा क्या हो सकता है कि आपने मंदिर में जाके जन्म पत्री मिलवाई और पंडित ने आपको बोला कि आपके 25 गन मिलते हैं, बहुत अच्छे गन मिलते हैं, आप शादी कर दीजिए, और जब आप शादी कर देते हैं उसके बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? बता पाएंगे मुझे? कोशिश करिए। नक्षत्र की वजह से भी, और 99% क्या होता है कि जब आप कुंडली मिलान करवाने जाते हैं, तो जो पंडित कुंडली मिलान करते हैं, वो सिर्फ अष्टकूट मिलान करते हैं। वो आपके लग्न चार्ट को देखते ही नहीं है। आपके लग्न चार्ट में क्या योग बन रहे हैं 7th हाउस को लेकर, उसको वो देखते ही नहीं है। सिर्फ गन मिलान, आप अगर सामने बैठे हो तो आप नोटिस करिए, वो सिर्फ गन मिलान करेंगे और आपको बोलेंगे इतने गन मिल गए, 18 से जितने ऊपर मिलेंगे वो कहेंगे बहुत बढ़िया है, कर दीजिए। हॉरोस्कोप में दो शादी का योग तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि नेगेटिव है, संतान सुख है या नहीं, इन चीजों पे फोकस ही नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मंदिर में जो पंडित होते हैं ना, वो कर्म कांडी पंडित होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं। पर क्या है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते करते उनको ग्रहों की नॉलेज हो जाती है। आप हमेशा नोटिस करिएगा, जब भी आप जाएंगे ना, वो 2-3 प्लैनेट को लेके चलेंगे, आपका मंगल भारी, आपका जैसा प्रश्न होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रेमेडी सजेस्ट कर देंगे। आप बोलोगे शादी नहीं हो रही है, तो वो कहेंगे पुखराज पहन लो, के वीरवार के व्रत कर लो अगर लड़की है तो,
और लड़का है तो उसको बोलेंगे कि आप केले के पौधे की सेवा शुरू कर दीजिए, पीला खाइए, आप कैरियर को लेके जाएंगे तो वो आपसे मंगल शनिवार को प्रसाद चढ़वा देंगे, या फिर वो आपको बोलेंगे 7:30 ही चल रही है, आपका शनि भारी है, क्योंकि उनको डिटेलिंग में हॉरोस्कोप देखना आता ही नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ गन मिलान करते। और इसी वजह से समस्याएं आ रही हैं आजकल, जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसी कारण आ रही हैं कि वो हॉरोस्कोप लग्न चार्ट मैच ही नहीं होता है। अब नक्षत्र ज्येष्ठा है, अगर लड़के का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र का है और लड़की का नक्षत्र भी ज्येष्ठा है तो उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी, और ऊपर से अगर ये दोनों ही पहली संतान हुई अपने घर की, बड़ी संतान है, तो इनका डिवोर्स का योग पक्का है। क्या कभी आपसे किसी पंडित ने ये क्वेश्चन किया है कि ये बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र का है, क्या ये आपकी घर की बड़ी संतान है कि छोटी संतान है? इतनी डिटेलिंग में नहीं जाता है कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद सीखो, खुद देखो। आपको कैरियर नहीं बनाना इस प्रोफेशन को, पर आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। आपका क्या कैरियर, क्या दशा, क्या अंतरदशा चल रही है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस आगे कैसा रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य आगे कैसा रहेगा, आपके घर में बड़े हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप इतना भी सिक्योर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है। नक्षत्र क्लियर सबको? अब जब आप अपनी हॉरोस्कोप खोलते हैं तो आपको पहला पेज ये दिखाई देता है, ऐसा एक लग्न चार्ट बना होता है ना, और ऐसे बहुत सारे चार्ट भी दिखते हैं, तो आपको लगता है कि हमें कौन सा देखना है, ये वाला देखना है, या आप जब पेज पलटते हैं तो वहां दो और बने होते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो हम किसे देखें? तो जो पहला पेज होता है ना आपका, वो लग्न चार्ट होता है और उसके ऊपर लिखा भी होता है लग्न कुंडली। और अगर वो कुंडली आपकी इंग्लिश में है तो वहां पर लिखा होगा असेंडेंट, ठीक है, वो आपकी लग्न कुंडली है। अब ये चार्ट आपको बताएगा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है और आपका भविष्य कैसा रहेगा। ये जन्म कुंडली के 12 घर हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये 12 के 12 घर हैं, पूरा जीवन चक्र है ये आपका। और इन्हीं 12 घरों से आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर जान सकते हैं। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका क्या सोल्यूशन है, और क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो इन्हीं इन्हीं 12 घरों से आप जान सकते हैं। और कुंडली के ये 12 घर फिक्स्ड हैं, अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये 12 घर लग्न चार्ट के फिक्स्ड हैं। और इनकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, घड़ी तो हमारी क्लॉकवाइज चलती है, इस डायरेक्शन में घूमती है, पर जब हम जन्म पत्री को स्टडी करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में घूमती है। यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये हमारी कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में घूमेगी और ये हाउस हमारे फिक्स्ड हैं। क्लियर? नहीं, अभी यहाँ राशि का रोल नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने ये घर जाने की, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे फर्स्ट हाउस में ये वाला प्लैनेट बैठा है, हमारे सेवेंथ हाउस में ये वाला प्लैनेट बैठा है, तो उसको वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हाउस कौन सा है?
तो ये वो हाउस है कि हमें कोई भी चीज देखनी है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि जन्म पत्री के ये 12 घर हैं और हम इन 12 घरों को इस नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि जो जन्म पत्री के हमने अभी ये जान लिया कि ये 12 घर हैं और इन 12 घरों को हम इस नाम से पुकारते हैं, पर ये 12 घर से हमें मिलता क्या है? क्या देखेंगे हम इन 12 घरों से? तो जो ये फर्स्ट हाउस होता है ना, ये फर्स्ट हाउस हमें बताता है हमारा अपना व्यक्तित्व कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। या आप जिसकी भी हॉरोस्कोप देख रहे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानना, या जिसकी भी आप हॉरोस्कोप स्टडी कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस, हमारे पास पैसा कितना है, हमारी सेविंग्स कितनी है, संचित धन, जुड़ा हुआ पैसा हमारे पास कितना है, क्या हम पैसे को जोड़ पाएंगे? या हम किसी भी चीज के लिए किसी के हॉरोस्कोप देख रहे हैं, सपोज हम कुंडली मिलान कर रहे हैं, हमें बेटी के लिए लड़का देखना है या बेटे के लिए लड़की देखनी है, तो उसकी धन की स्थिति कैसे है, उसको पैसे जोड़ने की आदत है कि नहीं है, वो सेविंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेकेंड हाउस से देखेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर में, जो आप मेहनत कर रहे हैं उस वो किस तरीके की मेहनत रहेगी, क्या आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, थर्ड हाउस से देखेंगे। आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, वो आप थर्ड हाउस से देखेंगे। अगर ये घर आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो रिलेशन भी अच्छे रहेंगे भाई बहनों के साथ और आपकी मेहनत का रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। और यही हाउस अगर आपका वीक हो जाएगा तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे और आप मेहनत बहुत करेंगे पर उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस आपके सुख का है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कन्वेंस, मदर के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, वो आपको आपका फोर्थ हाउस बताएगा। अगर फोर्थ हाउस आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, एक्टिव है, तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, एक से ज्यादा आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपको वाहन का सुख होगा और आपकी लाइफ सुखमय होगी, लग्जूरियस लाइफ होगी, अगर आपका ये वाला घर स्ट्रांग है। इसको हम फिफ्थ हाउस बोलते हैं, संतान का, स्टडीज का हाउस होता है, बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, बच्चा पढ़ाई में वीक है तो क्यों है, क्या कारण है उसके कमजोर होने का, आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। संतान सुख है या नहीं है, तो कौन सी संतान का योग है, कितनी संतान का योग है, वो आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपका रोग, आपका ऋण, आपका शत्रु सिक्स हाउस से देखेंगे आप। अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको कर्जा लेना पड़ता है, आप अपनी हॉरोस्कोप खोल के देखेंगे क्या मेरी कर्जे की दशा, सिक्स लॉर्ड की दशा तो नहीं चल गई है, तो कर्जा लेना पड़ेगा। वो कर्जा उतरेगा कैसे, अगर ये पॉजिटिव योग नहीं है, सिक्स हाउस आपका पॉजिटिव नहीं है, तो कर्जा कैसे उतारेंगे, वो तो कर्जे पे कर्जा चलता चला जाएगा। तो ये सिक्स हाउस बताएगा कि आपके रोग, कौन सी बीमारियां आपको लगने वाली हैं, आप लोग लेंगे, आपके गुप्त शत्रु तो नहीं खड़े हो जाएंगे, वो आपको आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। शादी आपकी कब होगी, कैसी रहेगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या वो शादी आपकी टिकेगी, आपको शादी का सुख मिलेगा, सेवेंथ हाउस बताएगा। इसके साथ ही अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप आपको फलेगी कि नहीं फलेगी, वो भी ये घर बताएगा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, व्यापार करने से पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, फैमिली टर्म्स होते हैं, पर जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो रिलेशन खराब हो जाते हैं, क्योंकि हॉरोस्कोप में ये हाउस पॉजिटिव नहीं होता है।
तो सेवेंथ हाउस से आप मैरिज को लेकर देख सकते हैं, पार्टनरशिप को लेकर देख सकते हैं। एर्थ हाउस ये हमारे अचानक दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी के साथ कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, अचानक एक्सीडेंट हो गया और आप बेड रिटर्न हो गए। अष्टमेश की दशा, ऐसी बीमारियां जो लॉन्ग टर्म चलेंगी, लंबे समय तक चलेंगी और बढ़ने के बाद आपको पता चलेंगी, एथ हाउस से पता चलेगा। और अगर ये योग आपका ये हाउस पॉजिटिव है तो ये आपको डीप नॉलेज भी देगा। जिसका ये हाउस एक्टिवेट हो जाता है वो रिसर्च में चला जाता है, एस्ट्रोलॉजी में चला जाएगा, तो बहुत पढ़ाई करेगा, बिल्कुल उसके डीप में चला जाएगा, बहुत ज्ञानी हो जाता है अगर ये हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा नाइन्थ हाउस है, नवम भाव, भाग्य और हमारे पिता का हाउस है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपका भाग्य कितना आपका साथ दे रहा है, साथ देगा या नहीं देगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर लक साथ नहीं दे रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, इस घर को देखेंगे। जी मैं कर देती हूँ। जो ये एर्थ हाउस है ना, अष्टम भाव, इसको हम बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना। जब भी आपके अष्टम भाव की दशा चलेगी या अष्टम भाव में शनि का गोचर होगा तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कष्ट आएंगे। अब वो कष्ट किस प्रकार के आएंगे वो आपकी अपनी हॉरोस्कोप बताएगी, जिस तरह के योग बन रहे हैं एर्थ हाउस को लेकर। तो ये हाउस का जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा या ये हाउस आपका खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। आपने कुछ लोग सुने होंगे जो कहते हैं कि पता नहीं 2-4 महीने से जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हो रहे हैं या जल्दी जल्दी चोट लग रही है, मैं बहुत संभल कर भी चला फिर भी मेरे साथ दुर्घटना हो गई, या कहीं पे मैं गया और वॉलेट छूट गया, मेरा वॉलेट ही चोरी हो गया और उसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट कार्ड्स और इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, बहुत नुकसान हो गया। या ऐसा कोई रोग लग जाना जिसके लिए आपको लाइफ टाइम उसको फेस करना है, वो आपको बढ़ने के बाद पता चलेगा। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बढ़ गई, आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अष्टम भाव अगर आपका नेगेटिव है तो ये सारी समस्या होंगी, और यही हाउस अगर आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आपको डीप नॉलेज देगा, किसी भी चीज़ को लेकर आप गहराई में चले जाएंगे, रिसर्च में चले जाएंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आए हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे बस ये थोड़ा सा करके ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं, मुझे अभी और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। और जब तक इसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब तक आप उस चीज को करते रहेंगे। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा वो नाइन्थ हाउस आपको बताएगा। आपके फादर के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे वो आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। बहुत सारे लोग इस टाइप के होते हैं जो कहते हैं कि मेरे फादर मेरे लिए बहुत लकी हैं, वो जो कहते हैं मैं करता हूँ ना तो मेरा काम बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और जब भी मैं उनसे बिना पूछे कोई काम करता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाता है। या किसी की अपने फादर के साथ बनती ही नहीं है, वो सारे घर के साथ हंस बोल लेंगे पर जब फादर के साथ बैठेंगे तो उनकी किसी ना किसी बात को लेके नोकझोंक हो जाती है। तो वो नाइन्थ हाउस की वजह से होती है कि उनका नाइन्थ हाउस या तो पॉजिटिव होगा तो अच्छा है, नेगेटिव होगा तो वही सब चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ये हमारा 10th हाउस है, हमारा कर्म है, हमारा कैरियर है, हमारा कैरियर किस तरह का रहेगा, हम जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, वो हमारा ये 10th हाउस बताएगा। अगर जॉब करेंगे तो कौन सी फील्ड में जाएंगे, बिजनेस करेंगे तो किस प्रकार का बिजनेस हमें करना है। बहुत सारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपका कोई दूसरा प्लैनेट एक्टिव हो गया और आपने जॉब पकड़ ली, आपका बुध एक्टिवेट हुआ 6 महीने के लिए, उसने फोर्स करा, आपने जॉब पकड़ ली, पर आपके मन में तो बिजनेस करने की है, मुझे तो बिजनेस करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको मन में ये क्वेश्चन कर चलता है कि मैं क्या करूं, मैं जॉब को कंटिन्यू करूं या छोड़ के बिजनेस कर लूं।
तो ऐसी स्थिति में आप अपने 10th हाउस की स्थिति देखेंगे, क्या स्ट्रांग बन रहा है, बिजनेस स्ट्रांग बन रहा है या जॉब स्ट्रांग बन रही है। तो ये आप 10th हाउस देखेंगे, उसको देख के आप अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और वो कैरियर आपके लिए कैसा रहेगा। अब यहाँ आपने कैरियर देखा, अब इस कैरियर से आपको इनकम कैसी होगी, सैलरी कैसी रहेगी, आपका बिजनेस है तो लाभ कैसा होगा, कितना लाभ होगा, वो आपको आपका 11th हाउस बताएगा। ये हमारे लाभ का घर है, हमारी इनकम का घर है, हमारे प्रॉफिट का हाउस है। अगर ये आपका हाउस एक्टिव है, पॉजिटिव है, तो आप अपने कैरियर से संतुष्ट होंगे। आप जैसी जॉब चाहते हैं वैसी जॉब या बिजनेस आपको मिलेगा और आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड होंगे। और अगर ये हाउस आपका एक्टिवेट नहीं है, तो आप जॉब करेंगे बिजनेस करेंगे पर उसमें आपकी या तो सैलरी कम होगी और बिजनेस है तो लाभ कम होगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो ये आप इस घर से जान सकते हैं कि आपका कैरियर कैसा है, उससे आपको इनकम कैसी है। अब ऐसी स्थिति में जब आपको ये पता है कि मेरे को लाभ नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद तो है कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपये होनी चाहिए पर मुझे तो 40,000 ही मिल रहे हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मन भी नहीं लग रहा मेरा जॉब में, तो क्या अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आप उसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे? ऐसे में आप इस हाउस की रेमेडी करेंगे। जैसे हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको लेके कंटिन्यू नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन देता है कि आपको मेडिसिन खानी है, इतने दिन खानी है और ये प्रिकॉशन रखना है, तो हम ठीक हो जाते हैं जब उनकी हम बात को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस घर को देखेंगे कि ये घर हमारा वीक है और इसको हम रेमेडी करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो जो हमारा कैरियर है उसमें जो हमारी सैलरी कम थी, हमारे रेमेडी करने के बाद वो सैलरी इंक्रीज हो जाती है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा या आपको किसी अदर कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर आ जाएगा। अब यहाँ आपने कमाया, उसके बाद जो आपने कमाया वो खर्चा आपका कैसे होगा, वो आपको आपका 12th हाउस बताएगा। ये आपके खर्चों का घर है, ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम का घर है। अगर इसकी महादशा अंतरदशा आपकी चली, तो आपने देखा होगा अचानक ही कोई हेल्थ इश्यू आया और आपको एडमिट होना पड़ गया, या आपने किसी से बात करी, पता चला कि फलाना पर्सन तो हॉस्पिटल में है, 2 दिन पहले तो हम मिले थे, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा क्या हुआ? वो इस घर के कारण हुआ। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपके खर्चे कैसे रहेंगे, क्या कोई कोर्ट केस तो नहीं रहेगा आपके ऊपर, वो ये घर बताएगा। आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विदेश में सेटलमेंट है कि नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी में आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो 12th हाउस आपका बताएगा। तो इन 12 घर से आप अपना पूरा जीवन जान सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है वो कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, और जो भी गॉड ने, जो भी भगवान ने हमें दिया है, उन्होंने हमें 60% दे के भेजा है, 40% उन्होंने हमारे हाथ में छोड़ा है कि आप रेमेडी करके, पूजा पाठ करके उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमारी किस्मत में खाने की थाली दी है, कभी आपने देखा है खाना आपके सामने जब आता है तो आपको उसे खाना पड़ता है, वो अपने आप आपके पेट में नहीं जाते। तो आपने खाने की थाली आपके आगे आई, वो 60%, 40% जो आपने उस खाने को खाया, आपने अपना कर्म किया। तो आप अपने कर्म से जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास कोई पर्सन आया, या आपने ही अपने किसी फैमिली मेंबर की हॉरोस्कोप देखी और आपको दिखा कि उनकी तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जब आपको ये चीज़ दिख गया कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या कुंडली मिलान किया तो आपको दिखा कि आपकी साइड से जो लड़का या लड़की है
उसकी हॉरोस्कोप में रीमैरिज योग बना हुआ है, तो ऐसे में आप शादी करेंगे जब आपको पता है कि ऑलरेडी रीमैरिज योग है, यानी कि जो रिश्ता आप करने जा रहे हैं वो नहीं रुकेगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस चीज की रेमेडी करेंगे, और आपके लिए बेस्ट क्या रहा, आपने सीखने जो सीखा उसका बेस्ट पार्ट क्या रहा, बताइए मुझे। अगर आपको ये पता चला है कि जिसकी आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं अपने फैमिली मेंबर की, उनकी हॉरोस्कोप में रीमैरिज योग है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट एक मुझे बताइए क्या रहा, और आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में वो बताइए। ठीक है, आप रेमेडी बताएंगे, पर जो दो शादी का योग है उसे कैसे रोकेंगे आप? वो जब हम एडवांस कोर्स करेंगे ना, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो उसमें सब बताया जाएगा कि 7th हाउस जब हम पढ़ेंगे उसमें सारी डिटेलिंग आएगी कि शादी कब होगी, कैसे होगी, दो शादी का योग है, विडो योग है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सब इसी से पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि शादी होती है पर डिवोर्स भी नहीं होता और लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। देखिए, बेस्ट पार्ट ये है कि जिसकी भी हॉरोस्कोप आपने देखा, आपको ये पता चला रीमैरिज योग है, विक्रांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप उस चीज को रोकेंगे, कि आप ये दो शादी का योग है आप उन्हें रोकेंगे, पर आप उन्हें मना नहीं करेंगे, उससे पहले आप उनकी रेमेडी कराएंगे। जब दो शादी का योग पता चल जाता है तो ऐसी स्थिति में हम कुंभ विवाह कराते हैं, यानी कि पहली शादी भगवान विष्णु के साथ कराते हैं, उसके बाद जिनके साथ रिश्ता पक्का हुआ है उनके साथ मैरिज होती है, उसमें दो शादी का योग कवर हो जाता है। नहीं, अगर लड़के की कुंडली में ये योग है तो माँ तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है, लड़की का विष्णु जी के साथ और लड़के का माँ तुलसी के साथ। हाँ जी बताएं। मैम देखिए, जब भी हमें पता चलता है ना कि किसी की हॉरोस्कोप में री मैरिज योग है, ठीक है, उसके बाद जब कुंभ विवाह उनका कराया गया, तो यहाँ पर जिसने भी कुंभ विवाह उनका किया वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो देखिए, उसमें क्या होता है कि जब आप सिखाते हैं तो थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुंभ विवाह क्या होता है, जैसे हम मैरिज करते हैं ना, जयमाला होती है, फेरे होते हैं, कन्यादान होता है, तो कुंभ विवाह भी सेम प्रोसीजर से होता है कि जिसकी भी जन्म पत्री में दो शादी का योग है उनका पहले जयमाला कराया जाएगा, फेरे होंगे, उसके बाद उस कन्यादान करने के बाद उस शादी को वहां पर समापन भी कराया जाता है। तो इनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जब आप ये कुंभ विवाह करा रहे हैं तो ऐसे में जो भी आपने पहन रखा है वो सब देना होता है, आप कोई भी चीज उसके बाद वेयर नहीं करेंगे। तो हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि अगर आपने गोल्ड या सिल्वर कुछ पहना हुआ है तो उसको उतार के तब पूजा में बैठिएगा। अब मैं आपको, आपने ये प्रश्न किया है तो रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, एक मेरी क्लाइंट थी, उनको कुंभ विवाह कराना था पर वो नहीं आ पा रही थी मेरे पास, तो अपने घर के पास उन्होंने करवाया कुंभ विवाह 2 अप्रैल को।
अब उनको नॉलेज नहीं थी, तो वो पंडित जी ने सिर्फ 10 मिनट में उनका कुंभ विवाह करा दिया। पर जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए तो हो गया, वो कुंभ विवाह उन्होंने करा लिया, पर वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ तो वो रिजल्ट नहीं देगा, वो योग कैंसिल नहीं होगा। तो आप जिसको भी कुंभ विवाह बताएंगे या तो उसको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि इस तरीके से होता है, एक बार ही आप जिनसे कराएंगे कंफर्म कीजिए, हमें बताइए, अगर कुछ मिसिंग है तो हम आपको बताएंगे। मैम एक बार और बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं ज्वेलरी कोई नहीं मैम। हाँ ज्वेलरी, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब आपका ये प्रोसीजर हो रहा है ना, उस दौरान आपने कुछ भी नहीं पहनना है। ऐसा प्रोसीजर आपका खत्म हो गया उसके बाद आप पहन सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रोसीजर खत्म होगा ना उसके बाद आपको एक स्नान कराया जाता है। वो स्नान से क्या होता है कि वो शादी जो समापन होता है उसका जो निगेटिव दोष होता है वो सब खत्म हो जाता है। फिर आप अपने दूसरे कपड़े लेके जाते हैं, उसके बाद आप वेयर कर सकते हैं, जो भी आपने पहन रखा है वो वेयर कर सकते हैं। हाँ ये तो 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है। हाँ विवाह जो, ये कुंभ विवाह की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ ये तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है, जो भी आप ब्राह्मण आपका कराएगा तो 2 घंटे के बाद खत्म है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये करा रहे हैं उस दिन आपको उस मंदिर में नहीं जाना है दोबारा, आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं। क्लियर? किसी प्रकार का और कोई डाउट? अब हम ये जान गए हैं कि जन्म पत्री के ये जो 12 घर हैं इनसे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, और अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने कौन सा हाउस देखना है। अब इतना आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने शादी की बात करी, हमने जाना कि ये पर्सन का शादी का योग कब है, कैसा है, कैसी शादी रहेगी। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हमें देखना होता है कि ये शादी, ये पर्सन मांगलिक तो नहीं है, मंगल दोष तो नहीं है, क्योंकि कई बार मंगल या मांगलिक होने के कारण शादी डिले भी हो जाती है। और यदि मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी होगी तो डिवोर्स की स्थिति आ जाती है। मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो क्या है वो मांगलिक दोष, हम कैसे जान सकते हैं मंगल दोष के लिए? लग्न चार्ट है आपको दिख रहा है सबको? देखिए जब भी मंगल, अगर आपकी हिंदी की कुंडली है तो मंगल लिखा होगा, और आपकी अगर इंग्लिश की कुंडली है तो मार्स लिखा होगा, MA लिखा होगा, यानी कि वो मंगल है। अगर मंगल आपका फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में बैठा है तो आप मांगलिक हैं। किसी की जन्म पत्री में मंगल लग्न में बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठा हो, सेवेंथ हाउस में बैठा हो, एट्थ हाउस में बैठा हो
या 12th हाउस में बैठा हो, तो वो पर्सन मांगलिक है। ऐसी स्थिति में जब आपको ये पता चल गया है कि ये पर्सन मांगलिक है, तो अब आपने ये ध्यान देना है कि इस पर्सन की मैरिज भी मांगलिक के साथ ही होनी चाहिए। किसी भी एक हाउस में होगा। अगर आपको उनकी हॉरोस्कोप में 1st हाउस में मंगल बैठा दिखा तो वो मांगलिक है, या 4th हाउस में दिख गया तो मांगलिक है, 7th हाउस में दिखा तो मांगलिक है, 8th में दिखा तो मांगलिक है, 12th हाउस में दिखा तो मांगलिक है। और इसके साथ ही जो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, साउथ इंडियन 2nd हाउस के मंगल को भी मांगलिक मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर 2nd हाउस में भी मंगल बैठा है तो भी मांगलिक ही हो गए। ये सिर्फ साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, ठीक है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम 2nd हाउस के मंगल को मांगलिक नहीं मानते। हाँ जी, देखिए आप, अभी तो हमने ये जाना है कि ये मांगलिक योग है, परंतु अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल उचके होकर बैठे हैं, मांगलिक योग है पर ये उचके हैं, या अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये मंगल योग कैंसिल हो जाता है। या सेम हाउस में पार्टनर की हॉरोस्कोप में भी ऐसा कोई दोष है तो ये मांगलिक योग कैंसिल हो जाता है। तो हम जब भी हमारे पास कोई हॉरोस्कोप मैचिंग आती है तो हम ये बात नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ मांगलिक ही ढूंढिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मांगलिक सभी तो नहीं होते हैं। तो हम उनको बोलते हैं आप ढूंढिए, हॉरोस्कोप मैच कराइए। मैच करने पर क्लियर हो जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है या तो वो मांगलिक होगा या फिर उसके हॉरोस्कोप में भी ऐसा कोई दोष होगा जिससे आपका मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, अदर प्लैनेट, हाँ कोई बात नहीं। अगर मंगल के साथ और भी प्लैनेट है, सपोज यहाँ आप 7th हाउस से मांगलिक है पर सूर्य बैठे हैं साथ में, या चंद्रमा बैठे हैं साथ में, पर मांगलिक तो आप हैं। अब वो जब हॉरोस्कोप मैचिंग करेंगे तो अगर उसके साथ और कोई प्लैनेट है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा कि क्या योग बनता है। जी बताइए। देखिए आपको ये पता है कि आप मांगलिक हैं, अब कोई सपोज ये लड़की की हॉरोस्कोप है और लड़की मांगलिक है, आपके पास लड़के की जन्म पत्री आई और वो लड़का मांगलिक नहीं है, तो आप ऐसे स्थिति में देखेंगे क्या उसके 7th हाउस में ऐसा कोई योग बन रहा है जो इनके मंगल को कैंसिल कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आपने मैथ में पढ़ा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो अगर उनके 7th हाउस का कोई नेगेटिव योग है और इनका मंगल मिलकर वो योग कैंसिल हो जाता है। हाँ 7th हाउस ही देखेंगे, क्योंकि जब हम विवाह का विचार करते हैं तो हम सप्तम भाव का मिलान करते हैं। और कोई डाउट? हाँ, वैदिक में 2nd के मंगल को मांगलिक नहीं मानते हैं। अभी तो सिर्फ हम ये लोग जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, हम सब चीजें सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं, पर जब हम इस कोर्स को सीखेंगे तो हम और भी चीजों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। जिस भी चीज़ को लेकर आप देख रहे हैं, अगर आप कैरियर को लेके देख रहे हैं,
तो कैरियर हाउस के लॉर्ड कौन हैं, वो कहाँ बैठे हैं, कैरियर हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, है ना। ऐसे ही शादी के लेके देखेंगे हम कि शादी का जो सेवेंथ हाउस है उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, या सेवेंथ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। ये सब चीज़ों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है कि ये पर्सन की मैरिज कैसी रहेगी। तो उसका एक पार्ट है कि हमने ये भी देखना है कि वो मांगलिक है या नहीं, हमने सेवेंथ हाउस भी देखना है कि किस तरीके का है, हमें ये भी देखना है कि सेवेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया है, हमें ये भी देखना है कि सेवेंथ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, और वो सब मिलाकर हमें पता चलेगा कि ये शादी जो हो रही है वो किस तरह की होगी और कैसी रहेगी। जो मांगलिक पर्सन होते हैं उनकी मैरिज डिले हो जाती है, बहुत जल्दी से मैरिज नहीं हो पाती है अगर वो प्रॉपर मांगलिक है और उनका मांगलिक दोष कैंसिल नहीं हो रहा है तो। और मांगलिक की अगर नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो जाती है और वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेपरेशन और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब के योग होंगे। बिना वजह के झगड़े, बिना जगह की परेशानियाँ क्रिएट रहेंगी और डिवोर्स की स्थिति भी नहीं आएगी। आपस में उनके जो स्वभाव है वो ही नहीं मिलेंगे। एक कहेगा कि मुझे यहाँ जाना है तो दूसरा कहेगा नहीं यहाँ नहीं, मुझे तो यहाँ जाना है। क्लियर? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अब यहाँ तक हम जान चुके हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स कौन से हैं, हमारी 12 राशियाँ कौन सी हैं, हमारे 27 नक्षत्र कौन से हैं। उसमें हमने ये भी जाना कुछ नक्षत्र जो हमारे पॉजिटिव नहीं हैं। इसके बाद कौन से हाउस होते हैं, उन हाउस को हम कैसे जानते हैं, उन हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इतनी स्टडी से आप इतना तो देख सकते हैं अब अपनी हॉरोस्कोप में कि आप मांगलिक हैं कि नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए कौन सा हाउस देखना है। इसके बाद जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि महादशा अंतरदशा जब आती है कि वो इवेंट कब होगा। शादी का हमने जाना पर वो शादी होगी कब, कौन से साल में होगी, जॉब ढूंढ रहे हैं कब लगेगी, मुझे अभी जॉब चाहिए, क्या मुझे अभी जॉब मिलेगी, क्या मुझे अप्रैल में जॉब का योग है, मुझे विदेश जाना है तो मैं कब जा पाऊंगा, क्या विदेश योग है मेरी हॉरोस्कोप में। तो ये सब आप अपनी हॉरोस्कोप से जान सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो गया जी? अब हम एडवांस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एडवांस कोर्स में हम पढ़ेंगे 12 राशियां, 12th हाउस की डिटेलिंग पढ़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट, उसका क्या नेचर है, वो कौन सा कैरियर हमें देता है, कैसा स्वभाव है, कौन सा बिजनेस देता है, ये सब हम एडवांस में पढ़ेंगे। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मतलब जो भी इवेंट हो रहा है वो इवेंट के घटने का समय क्या रहेगा,
कुछ चीजें हमें चाहिए होती है जो 2 साल बाद होनी है, कुछ चाहिए हमें इंस्टेंट चाहिए, तो वो हमें कब पता चलेगी, कैसी रहेगी? प्रिडिक्शन आप किस प्रकार से कर पाएंगे? आपने देखा 12th हाउस है, प्लैनेट बैठे हैं, आपको ये भी पता है कि उन हाउस से हम क्या जान सकते हैं, पर उसकी आप प्रिडिक्शन किस तरीके से करेंगे वो हम इस कोर्स में जानेंगे। प्रिडिक्शन करने के कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से प्रिडिक्शन की जाती है, वो हम इस कोर्स में जानेंगे। बहुत सारे योग बनते हैं, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग, विष योग, गुरु ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग, तो वो योग से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या वो योग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं? और अगर कोई नेगेटिव योग बन रहा है तो वो कौन सा बन रहा है और उसका क्या सोल्यूशन है? दशा के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में डिटेलिंग में जाएंगे कि जब हम शादी को लेके, क्योंकि शादी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, उसको लेकर हम जाएंगे कि उसमें हम D9 पढ़ेंगे कि वो चीज़ हमारी किस तरीके से रहेगी, पार्टनर का नेचर कैसा होगा, पार्टनर का कैरियर कैसा होगा, पार्टनर के साथ जुड़ने के बाद आपका भाग्योदय होगा, ये सब हम D9 से जानेंगे। और हर समस्या, हर प्रॉब्लम को लेके हमें क्या रेमेडी करनी है, क्योंकि आप हर चीज़ की सेम रेमेडी नहीं बोल सकते हैं, आप सबको स्टोन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप सबको पूजा सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पूजा करने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि उनके पास समय की लिमिटेशन होती है। तो कौन सी चीज़ के लिए आपको दान कराना है, कौन सी चीज़ के लिए आपको मंत्र का जाप कराना है और किसकी आपको स्टोन पहनाने चाहिए, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। जब ये आप कोर्स सीख लेंगे तो इस कोर्स को सीखने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं तो आप 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं जाकर, आप अपना खुद का प्रोफेशन बना सकते हैं, और इसके साथ ही आप, अगर आपको प्रोफेशन नहीं बनाना है तो आप अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास के लोगों का भविष्य जान सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो आप कोर्स कर रहे हैं आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कि बाद में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिव्यू है जो मेरे पास से स्टूडेंट सीख कर गए हैं, ये उनके रिव्यू हैं। इन्होंने मेरे पास से कोर्स किया है और आज ये गुरुजी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर वर्क कर रहे हैं। सोनिया है, ये भी एस्ट्रो टॉक पर काम कर रही हैं, इनका फर्स्ट डे था जब इन्होंने मेरे से ब्लेसिंग के लिए मेरे को मैसेज करे हैं। अभिषेक है, ये भी एस्ट्रोटॉक पे काम कर रहे हैं। ये प्रतीक है, इन्होंने अपना ऑफिस खोला है, बहुत खुश हैं ये। अक्षिता है, ये एस्ट्रो सेज पर काम कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी को लेना चाहते थे तो आज ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोर्स को सीखा है और आज बहुत अच्छे से वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। 10 डेज का कोर्स है हमारा, 10 डेज का हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें आपको PPT मिलेंगे, रोज जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसके आपको PPT मिलेंगे। कोर्स आप ज्वाइन करिए, आपको एज सुन एज पॉसिबल कब स्टार्ट हो रहा है वो डिसाइड करके ग्रुप में बता दिया जाएगा। कोर्स की फीस है 4,629, पर आप अभी एनरोल करेंगे तो ये कोर्स आपको सिर्फ 4,000 में पड़ेगा। एनी डाउट, एनी क्वेरी? एस्ट्रोलॉजी ऐसी एक ज्ञान है जिस जो एंडलेस कोर्स है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, पर हाँ ये कोर्स करने के बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप अपनी हॉरोस्कोप, किसी की भी हॉरोस्कोप
देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये स्टूडेंट देखिए जो वर्क कर रहे हैं, ये सब यही कोर्स करके वर्क कर रहे हैं जो आज एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा आज का सेशन? जी आप सब भी अपने फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फिर एडवांस कोर्स में मिलेंगे। बहुत नॉलेजेबल कोर्स है, बहुत ही अच्छा है। जब आप इसकी डीप में जाएंगे तो आपको तब आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और कितनी यूजफुल है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। आप सभी का दिन जी। थैंक यू सो मच।